नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस समय लखनऊ के मोहनलालगंज कंस्टिट्यूंसी में हूँ और समाज बदल तो रहा है। बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं, देखिए वो लगातार, उनको ये भी नहीं पता हुआ कि कैंडिडेट उनके जान पहचान का है कि नहीं, लेकिन चूंकि बहुजन आंदोलन है, सपा बसपा का गठबंधन है, तो वो लगातार कैंपेन कर रही हैं। और महिलाएँ जब घर से निकले, युवा जब घर से निकले, तो एक बदलाव आप महसूस कर सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर बेला हैं, लगातार सामाजिक आंदोलन से जुड़ी हैं और अब तो बसपा के कार्यकर्ता भी हैं। क्या लग रहा है ग्राउंड पर, क्या स्थिति है? ये महागठबंधन हुआ है, उससे ग्राउंड पे महापरिवर्तन दिखाएगा। अभी आने वाले 6 मई को ये महापरिवर्तन पेटियों में बंद हो जाएगा, वोटिंग मशीन में, और महापरिवर्तन के लिए सभी लोग तैयार हैं। आप तो लंबे समय से सामाजिक आंदोलन में भी हिस्सा लेती रही हैं, क्या लोग अब डर से निकले हैं, घर से बाहर निकलने लगे हैं, जी बात करने लगे हैं? जी, मेरे साथ जितनी भी महिलाएं चल रही हैं, हम सभी लोग, उसमें कोई नेता नहीं है, सब लोग एक जैसी हैं और सब नौकरी पेशे मिडिल क्लास, जिसको अभी तक जिसने आंदोलन से एक दूरी बना रखी थी, कभी नौकरी के डर से या समाज के डर से, सो कॉल्ड इलीट क्लास के डर से कि हम उस सोसाइटी से अलग हो जाएंगे, हम बोलेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अभी सबने रियलाइज किया है 2014 के बाद से, जो मोदी सरकार ने जितनी अति की है संवैधानिक संस्थाओं को, जैसे उसने ताक पे रख दिया है, इससे सब लोग डरे हुए हैं। और एकदम इसीलिए मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को खत्म करने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए सभी महिलाएं हैं, युवा हैं, सब लोग धरातल पे आके वोट मांग रहे हैं गठबंधन के लिए। देखिए, इन सब इलाकों में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों से कोई टेलीविजन चैनल वाला नहीं मिलने आता है, इसलिए नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि बहुजन समाज कैसे सोच रहा है आप तक पहुंचाया जाए। वो शहरों तक आते हैं, शहरों में सवर्णों की संख्या ज़्यादा होती है, वो उनके मुंह में माइक लगाते हैं और फिर हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मोदी होने लगता है। लेकिन उसका आप काउंटर कर रहे हैं, बहुजन समाज के लोग काउंटर कर रहे हैं, सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, फोटो लगा रहे हैं, इन सब मुद्दों पर आप लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रैली प्रदर्शन में जा रहे हैं, फोटो कम से कम फेसबुक पर तो लगा रहे हैं ना, वहाँ तो कोई खर्चा नहीं। सभी लोग लगा रहे हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। पहले जो हम लोग पार्टीज और इस सब में जो किटी पार्टी या इस तरह की फोटो घूमने पर्यटन के लिए जो लोग लगाते थे, अब वो सब बंद कर दिया है लोगों ने। लोग किटी पार्टी करने लगे हैं, चलिए तो अच्छी, कुछ नहीं, कुछ लोग करने लगे थे, अब उनको मैं चाहता हूँ कि सब किटी पार्टी करें। अब उनको रियलाइज हुआ है कि किटी पार्टी हमारे लिए नहीं है, हम जब तक जमीन पे उतर के काम नहीं करेंगे और गठबंधन का, माननीय बहन जी का जो आंदोलन है, उसमें हम लोग भागीदारी नहीं करेंगे तो हम लोग किसी लायक नहीं रह जाएंगे। आपका क्या नाम है? सुनीता। क्या करते हैं सुनीता? गृहिणी हूँ घर का, लेकिन अब निकलना सबसे बड़ा काम है। तो कब से कैंपेन कर रही हैं? रुकिए, आप लोगों से बात करेंगे, महिलाएं फर्स्ट हैं, कब से काम कर रही हैं आप? अब सर, हम लोग 2014 के पहले बहन जी जब से आई तभी से हम लोग साथ में थे, ग्वालियर से हम लोग काम करते थे सर, जब बहन जी घर पे आती थी। गृहिणी बहुत बड़ा वाला काम है भाई, बेरोजगारी वाला। क्या नाम है आपका? बोडी मित्रा। आप क्या करती हैं? लेकिन समय निकाल के इधर आ जाती हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, तो ऐसा नहीं है, आरएसएस ही नहीं प्रचार प्रसार कर रहा है और राजनीति कर रहा है, बहुजन समाज की महिलाएं भी राजनीति करने लगी हैं। क्यों लगा कि आपको आना चाहिए, ये सब करना चाहिए, बीवी बच्चा छोड़ के हैं? बहन जी को लाना है। घर वाले मना नहीं करते? नहीं, मुझे कोई नहीं मना करते। आपका क्या नाम है? पुष्पा बहुत नाम है। क्या करती हैं आप? घर का काम करती हूँ। अब प्रचार कितना देर करती हैं? पूरे समय। तो चुनाव प्रचार में सिर्फ व्यस्त रहेंगे या चुनाव खत्म होने के बाद भी ऐसे भी लोग में? नहीं, हमारा काम है सब हमेशा जागरूक करना समाज के लिए, मेरा उद्देश्य यही है। तो आपका क्या नाम है? शैल बाला बौद्ध। आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ हैं। और चुनाव में भी कैंपेन कर रही हैं? जी हाँ। तो घर में कोई मना तो नहीं करता? नहीं, नहीं, कोई मना नहीं करता। सड़कों पर कैसा अनुभव रहता है? बहुत अच्छा अनुभव रहता है। अपने लोग रिस्पॉन्ड करते हैं? हाँ हाँ, पानी वानी के लिए पूछते हैं? हाँ हाँ, जरूर, हाँ सब कुछ। नहीं, ये समाज के लिए ईमानदारी से काम कीजिएगा तो ये समाज पे बैक टू रिटर्न तो करता है, मैं खुद इसका गवाह हूँ। आप क्या करती हैं मैडम? सर, मैं हाउस वाइफ हूँ। हाँ। मेरा नाम प्रतिभा राव है। और सर, मैं भी समाज से जुड़ी हुई हूँ और 1 साल 2 साल से मैं, मतलब गांव-गांव में भी जाती हूँ, लोगों को जागरूक करती हूँ। आप लोग इतना हिचकिचाती क्यों है एकदम? वो प्रज्ञा ठाकुर टाइप से बोलती क्या है? नहीं, बात बात सर, प्रज्ञा ठाकुर और हमें बहुत अंतर है, थोड़ा सा शालीनता है हम। और दूसरी चीज, हम लोग संविधान के दायरे में चल रहे हैं, हमको शांति बनाए रखना है, हम नहीं चाहते कि आक्रोशित होके कोई कार्य किया जाएगा। आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ, पूनम गौतम। अच्छा, आप कब से मतलब आंदोलन से जुड़ी हुई? मैं तो बेला दी के जरिए आंदोलन से जुड़ी हुई हूँ,
मैं उनको अपना आप ही बिगाड़ रही है महिलाओं को है बिगाड़ नहीं रही है सुधार रही है सुधार रही है उसको उन्हीं के थ्रू हम लोग घर से निकलते हैं। हाँ, तीन साल से हम भी जान रहे हैं। जी 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 इतना कोई मेहनत नहीं कर पाई। आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ रियल एस्टेट। अच्छा अच्छा और अभी पार्टी के लिए भी समय दे रही हैं तो क्या लग रहा है ग्राउंड पर कुछ बदलाव दिख रहा है? बिल्कुल आगे भी दिखेगा। खाली दलित फैमिली में ही जाती है या ओबीसी वाले लोग के यहाँ भी जाती है? हाँ, इसमें ऐसा नहीं है। अभी तक ये जो स्टिग्मा था बहुजन आंदोलन का कि सिर्फ इसमें बहुजन महिलाएं होंगी, एससी एसटी ओबीसी की महिलाएं हैं, मेरे साथ में भी जो खड़ी हुई हैं वो शिप्रा गुप्ता जी हैं। और ऐसा नहीं है, महिलाओं ने ये रियलाइज किया है कि हमको घर से बाहर निकलना है और हमको मनुवाद को तोड़ के फेंकना है और एक समतावादी समतामूलक समाज की स्थापना के लिए सवर्ण महिलाएं भी हमारे साथ कदम ताल कर रही हैं। कितना सवर्ण महिलाएं हैं? मैं भी कल एक वीडियो देख रहा था। वो लड़की कह रही थी कि मैं मिश्रा हूँ और वो हिंदू कोर्ट की बिल की बात कर रही थी, वो भी पार्लियामेंट के सामने से। पता नहीं वो बदलाव कब आएगा। तो गुप्ता जी अब मतलब घर वाले विरोध नहीं करते हैं? पूजा पाठ भी तो नहीं छोड़ दिए? सब करती हूँ, सबको बराबर। आपका मेरा नाम रचना कुरील है। जय भीम नमो बुद्धाय। और मैं यहाँ पर सर महिलाओं के जो इतना उत्साह है महिलाओं के साथ उसमें मैं जुड़ी हुई हूँ। और अभी तक तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि मैं आगे निकलकर बाहर आऊं क्योंकि मौका ही नहीं मिला कभी, लेकिन बेला जी के माध्यम से और कुछ लोगों के माध्यम से मुझे ये मौका मिला है। तो आज मैं ये सबको कहना चाहती हूँ कि जो हमारी 49% जो आबादी वाली महिलाएं हैं वो किसी भी जाति की नहीं कह रहे, 50 का नहीं कह रहे, 50 इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि भ्रूण हत्या हो जा रहा है, पेट में ही मार दे रहे हैं। तो इसलिए हम उसको 49% कह रहे हैं। और उन महिलाओं को जागरूक होकर अब अपने अपने घरों से बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि यदि वो नहीं निकलेंगी तो फिर से वो उसी दशा में चली जाएंगी जिस दशा में बाबा साहब ने हमें। आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर इनिस्पा, मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ाती हूँ। अच्छा, उसके बाद भी आंदोलन में शामिल है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो नौकरी लगातार 15 दिन से। हाँ देखिए, प्रोफेसर की नौकरी 13 पॉइंट रोस्टर लोगों को पता है, समझा रही है? बिल्कुल समझा रहे हैं सर, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और ग्राउंड लेवल पे जा भी रहे हैं, अपने डिग्री कॉलेज में भी पूरा प्रचार कर रहे हैं। छोटे छोटे जो वोटर अभी नए बने हैं उन बच्चों को भी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और जो फोर्थ क्लास महिलाएं हैं या जेंट्स हैं हमारे डिग्री कॉलेज में उनको भी समझाते हैं। आप लोग टीवी नहीं देखती हैं? टीवी छोड़ दिया, केवल मोदी मोदी दिखाई दे रहे हैं, मोदी के अलावा कुछ नहीं चल रहा है। अभी मैं समाज में काम करना चाह रही हूँ। बारिश होती है, मोदी बारिश होती है, मोदी बोलते हैं झूठ झूठ, तो सारा झूठ ही दिखा रहे हैं मोदी जी के। हम लोग कुछ दिखता ही नहीं है। शुक्रिया डॉक्टर बेला, हम तो 5 आदमी को नहीं बदलता, आपने इतनी महिलाओं को बदल दिया। तो ये बदलाव जरूरत है। जहाँ तक मैंने देखा ग्राउंड लेवल पे वो ये है कि हमारा जो बहुजन समाज है मतलब एससी एसटी उसको हमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जो ओबीसी समाज है वो अभी भी जब हम ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो पढ़ा लिखा है ना, आपके बाद रिजर्वेशन मिला है, मतलब वो सामने कहता है मुझे मोदी को वोट देना है। मैं तो मतलब गठबंधन को वोट नहीं गया, ये तो आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी मोल्ड हो रहा है। 2-3 युवा भी हैं, आप लोग क्या नाम है? मेरा नाम जयसिंह है, मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय का सोच। वही ना जहाँ मोदी जी को काला झंडा दिखाया गया था, वही था। और 2016 में मुझे जो है कार्ड सर्टिफिकेट भी किया। तो अभी आप लोग भी एकदम खुल के सामने आ रहे हैं, डर वर नहीं लग रहा है? आपका क्या नाम है? शिवम आदित्य नाम है मेरा। बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और बेला मैम के समर्थन में हम लोग आए हुए हैं। देखिए, 3,000 कमाने वाली कन्हैया की माँ जो है उसे जेएनयू पढ़ाती है, भोजनों को सीखना पड़ेगा उसकी माँ से, हमें भी सीखना चाहिए। आपका क्या नाम है दोस्त? दयानंद नाम है, मैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी से हूँ। तो जोर से बोलो ना यार। दयानंद नाम है मेरा और मैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। तो चलिए, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ ये जानने में है, चुनाव डेमोक्रेसी बचेगी तो होते रहेंगे, बहुजन समाज के लोग बदल रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं, ये एक बड़ा बदलाव है। बदलाव की गति बहुत धीमी है, अगर इसी तरह से बदलाव होता रहा तो मुझे नहीं पता कब तक बदलेगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप लोग घरों से निकलिए और किसी दूसरे पर एहसान मत कीजिए, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसके लिए तो कम से कम आवाज़ उठाइए। शुक्रिया आप सब लोग का हमसे बात करने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, मोहन लालगंज, लखनऊ, यूपी। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।